आप सब उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। दोस्तों, अभी शायद कल या परसों किसी सब्सक्राइबर ने या किसी व्यूअर ने एक कमेंट लिखी थी कि आप हर वीडियो में कहते हैं सुखी रहो, संपन्न रहो, क्या जरूरी है? यस, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आप इस चीज़ को नोटिस कर लेना कि मैं हमेशा संडे के दिन एक ऐसी वीडियो अपलोड करती हूँ जिसका कनेक्शन सूर्य पूजा से होता है। क्योंकि यदि आपके सूर्य मजबूत हैं, सूर्य यदि आपके मजबूत हैं, तो ज़माने में कोई आपको हरा नहीं सकता। दुनिया में जहाँ भी, जहाँ पर भी आप जाएंगे, जहाँ भी आप कदम रखेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपका ऐश्वर्य बढ़ता है, आपके अंदर एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ आ जाती है जो आपको, जो लोगों को नोटिस करने पर मजबूर कर देती है आपको लोगों से अलग। मतलब लोग आपको एक अलग ही दृष्टि से देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कुछ चीज़ है यहाँ, समथिंग ऐसा कुछ है यहाँ जो दूसरी जगह नहीं है। आपकी पर्सनालिटी को यूनिक बनाता है सूर्य, बना देती है सूर्य पूजा। जिसके भी सूर्य मजबूत हैं दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, उसकी ज़िंदगी में हमेशा वो आगे ही आगे बढ़ता है। जो लोग नौकरी को लेकर के परेशान हैं, वे दोस्तों सूर्य पूजा में, सूर्य देव के जल में हल्दी अवश्य ही मिलाएं। हल्दी मिला करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। रविवार के दिन हमेशा पांच बाती का दिया बनाएं, उसमें घी डालें और वो दिया सूर्य देव को अर्पित करें। बहुत जल्दी आपको फर्क दिखाई देने लग जाएगा। आप लक्ष्मी को लेकर के परेशान हैं तो भी दोस्तों आप सूर्य देव के जल में हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी का आविर्भाव होना शुरू हो जाता है। जो लोग, काफ़ी लोग ये लिख रहे हैं कमेंट में कि हमारा ट्रांसफ़र हमारी मनचाही जगह पर हो, वे लोग दोस्तों रविवार के दिन सूर्य देव की तरफ सूखी लाल मिर्च के दोस्तों 31 दाना फेंकें और अपनी उस जगह का नाम बोले जहां आप अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। जो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं या जिनके पैसे कहीं दबे हुए हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको सूर्य देव के जल में सूखी लाल मिर्च के 11 दाने मिला करके सूर्य देव को अर्पित करने हैं। ये क्रियाएं यदि आप रोज करते हैं तो बहुत बढ़िया फल मिलता है। यदि आप रोज नहीं कर पाए तो दोस्तों रविवार के दिन तो अवश्य ही करें, बहुत ही बढ़िया आपको फल देखने के लिए मिलेगा। आज दोस्तों जो आपको उपाय बता रही हूँ, ये है नाम, ये है सूर्य देव का ऐसा नाम जो नाम लेने से भगवान सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। आपको सिर्फ ये नाम बोलने हैं, नाम बोल करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। जैसे कि आप और हम दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि जो आपका एक रेगुलर नाम है, जो पूरी दुनिया जानती है, जब वो नाम लेकर के कोई बुलाता है तो आपको पता होता है कि ये आपका प्रचलित नाम है, कोई भी आपको बुला सकता है। जैसे कि हम सूर्य देव को जब भी जल अर्पित करते हैं तो मोस्ट ऑफ लोग सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, ओम सूर्याय नमः। कुछ लोग इससे एक कदम आगे, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, ये जो साधारण से जो उनके नाम है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो बोले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब कोई व्यक्ति आपका वो नाम बोलता है जो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, सिर्फ आपके घर के लोग ही जानते हैं, जब उस नाम से आपको पुकारा जाता है तो आपका ध्यान बहुत जल्दी उस तरफ जाता है। आप जान जाते हैं कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे कहीं ज़्यादा परिचित है, दूसरे लोगों के तुलना में ये व्यक्ति आपसे ज़्यादा परिचित है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो आज आपको दोस्तों उनके 7 नाम ऐसे बताने जा रही हूँ जो उन्हें बहुत ही प्रिय है। रविवार का दिन मतलब सूर्यदेव का दिन, 1 और 7 ये मूलांक जो सूर्यदेव को बहुत पसंद है, जो 7 की तारीख है, साथ ही अंक, साथ ही नाम आपको बोलने हैं। अमुक दिन, अमुक समय,
आप जो चीज बोलते हैं उसका प्रभाव दोस्तों दूसरे दिनों से कहीं ज्यादा इफेक्ट दे देता है। यदि इस दिन ये सात नामों की शुरुआत आप इस रविवार से करते हैं तो इसका इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिखाई देगा। सात नाम दोस्तों आप बड़े ध्यान से सुने, उसके बाद आप इन नामों को बोले जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। सूर्यदेव को जल जब आप चढ़ाते हैं, यदि पॉसिबल हो तो गुड़हल का फूल भी उसमें डालें, हल्दी डालें, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, ठीक है। और ये जो सात नाम मैं आपको बता रही हूँ, इन सात नामों को बोलते हुए आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। यदि ये सात नाम आप नहीं बोल पा रहे हैं तो किसी कागज पर, व्हाइट कलर के कागज पर कुमकुम से या फिर रेड कलर की पेन से आप इन नामों को लिख लें और सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पहले या बाद में आप इन नामों को पढ़ दें और इसकी पर्ची आप अपनी जेब में रखें। बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो नाम दोस्तों बड़े ध्यान से आप सुन लेना। नाम है ओम सूर्याय नमः, ओम रविवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम मारीचाय नमः। ये सात नाम है, बड़े ध्यान से आप इन नामों को सुनना और इन्हें व्हाइट कलर के पेपर में रेड कलर की पेन से आप लिख लेना, उसके बाद आप इन्हें पढ़ना। और यदि आप इन्हें सीधे सीधे याद कर लेते हैं और बोलते हैं तो आपको और भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। कोई भी चीज़ दोस्तों यदि आप किताब लेकर के पढ़ते हैं तो उसका उतना फल नहीं मिलता है जितना आप बिना किताब को देखे और मौखिक रूप से इसे याद करके और उसका आप स्मरण करते हैं, उसे पढ़ते हैं। कोई भी श्लोक हो, कोई भी पूजा पाठ हो, यदि आप सीधे सीधे पढ़ते हैं उसका ज़बरदस्त आपको फल मिलता है। कोई भी मंत्र जाप है, श्लोक है, यदि आप बहुत ज़ोर से पढ़ते हैं तो उसका फल दोस्तों उतना नहीं मिलता है जितना कि आपको थोड़ा थोड़ा आप होंठ हिलाएं और बोलते रहें मंत्र। ये दूसरी कैटेगरी है, इसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। और इससे भी ज़्यादा यदि आप किसी मंत्र का मन ही मन उच्चार करते हैं तो उसका फल और भी ज़्यादा हो जाता है। मानसिक जो उच्चारण है उसका फल पहले नंबर का होता है, जिसमें थोड़े थोड़े होंठ हिलते हैं वो दूसरे नंबर का होता है। और जो बहुत जोर शोर से बोला जाता है, आपको ज़बरदस्ती याद किया जाए, आप याद कर करके बोल रहे हैं, उसका फल तीसरी कैटेगरी में आता है। ये बहुत ही साधारण सी बातें हैं। तो यदि आप याद कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, याद नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, इन नामों को पहले या बाद में बोलें, शुरुआत कर दें संडे के दिन से। बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।